हेलो गाइस, वेलकम बैक। और भाई आ चुका हूं मैं फिर से को न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं ऋषभ और पांडा मिलकर टेम्पे चंपी के अंदर जितने भी एंटिटीज आए थे ना आज तक, उनको टीयर वाइज लगाने वाले हैं उनकी पावर के हिसाब से। यस, अब अगर आप मेरी सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में आज तक कितने सारे एंटिटीज आए, कितने एंटिटीज से मेरा पंगा हुआ है। और उनसे पंगे लेने के बाद मेरे को इतना तो पता चल चुका है कि कौन सा एंटिटी माइनक्राफ्ट के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल है। अब मेरे को जितना याद था मैंने उन सारे को उठा लिया है, बट अगर कोई रह गया होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इनकी पावर के हिसाब से हम इनको कौन सा टीयर देंगे और कौन सा टीयर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं ऋषभ और पांडा का। हाय गाइस, तो चलो भाई तैयार है तुम दोनों? हां हमेशा तैयार रहते हो भाई। जितने भी एंटिटीज आए थे ना मैंने यहाँ पे उनकी फोटो उठा लिया, पता नहीं कोई एंटिटी रह तो नहीं गया, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने सबको उठा लिया। तो गाइज अभी आपको स्क्रीन पे जितने भी ये बंदे दिख रहे हैं सबके सब एंटिटीज है। यस, हमने नॉर्मल बंदों को नहीं उठाया अभी तक, सिर्फ एंटिटीज को उठाया जिनके पास पावर्स है, जो मतलब कुछ तगड़ी चीजें कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को उठाया। अब देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो एस है ना यह है गोट टीयर, मतलब कि इसमें वो एंटिटीज आएंगे जिनको मतलब हराना टोटली इम्पॉसिबल है। इसके बाद है ए टीयर जिनकी पावर मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके बाद है बी टीयर जिनकी पावर ठीक ठाक है, ठीक है, उसके बाद है सी टीयर जिनकी मतलब पावर ना ज्यादा बेकार है ना बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब काम चल जाएगा ऐसी पावर है। उसके बाद है डी टीयर जो मतलब बहुत ही नूब एंटिटीज है जिनको मतलब हम इजीली हरा सकते हैं, वो आएंगे डी टीयर में। तो अब हमें इन्हें ना टीयर वाइज लगाना है। ओके तो गाइज अब आपको भी पता चल जाएगा कि भाई कौन सा एंटिटी हम पे कितना भारी पड़ा था और उसको आज हम कौन से टीयर में डालने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग ही लाइन में है बूगीमैन। बूगीमैन को जानते भाई? जानते भाई जानते। जब नल आया था तब आया था बूगीमैन उसके साथ। तो बूगीमैन मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं टिक पाया था और मतलब इसने अपनी इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं दिखा पाया था मेरे को, तो इसको शायद सी में डालना ठीक रहेगा तुम्हारे हमारे साथ। सी या बी? बी 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 सही रहेगा। बी से रहेगा, चलो। तो इसका पावर कम तो नहीं थी भाई। हां भाई अब इसके बाद आता है वन एंड ओनली कर्ज जीरो ब्राइन। यार ये तो खतरनाक था भाई। भाई यार लेकिन इसने भाई हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया था। इसको ए टीयर में डाल देते भाई। ठीक है अब आता है हमारा डेड लॉर्ड जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया था भाई। हम हार रहे थे लेकिन इसकी वजह से वापस हम गेम में आ गए थे। इसको भी ए टीयर में डाल देते भाई। ठीक है अब ये इविल एलेक्सा। इविल एलेक्सा भाई इसको इस लिस्ट से बाहर फेंक दो भाई। इन सारे जो ये मल्टीवर्स हीरो ब्राइन ये गंदे वाले हैं ना, इनको हम डी में डालने का बड़ा मन कर रहा है, बट इनकी पावर के हिसाब से हमको लगाना है भाई। लेकिन फिर भी यार सी या डी इससे ज्यादा इसकी पावर नहीं है। मतलब हाँ इस हाँ मतलब इसको तो हम मार चुके हैं भाई। मारा था भाई हमारे उसने मल्टीवर्स वाले एंटिटी ने, जो अच्छा वाला मल्टीवर्स एंटिटी आया है। तो इसको मेरे हिसाब से सी में डालना सही रहेगा, है ना? सी में डाल दीजिए। और इसके बाद आता है हमारा एविल एंटिटी जो अभी जिंदा है। अब पिछले वाले एपिसोड में इसने ना हमको बहुत ज्यादा परेशान किया था भाई, वो पोर्टल को तोड़ने से बहुत ज्यादा रोका था इसने। बट ये बताया उस मल्टीवर्स वाले एंटिटी से बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि वो इससे ज्यादा पावरफुल है। तो इसको मेरे हिसाब से फिर बी में डालना सही रहेगा। बी में? हाँ बी में डालना सही रहेगा क्योंकि ये इससे तो ज्यादा पावरफुल है ही। हाँ वो तो हाँ ऑब्वियसली। हाँ अब इसके बाद आता है भाई इनका लीडर भाई, ये तो सीधा एस में जाए। खतरनाक है, इसको तो एस में जाना चाहिए भाई, बहुत खतरनाक। पर मेरे को ऐसा लगता है ना पर्सनली कि इसने अभी तक अपना मतलब पूरी पावर का यूज नहीं किया है। क्योंकि ये इन सबको लगा रहा है ना अभी तो, सबसे पहले आ गए। कभी मल्टीवर्स एंटिटी को भेज देता है, कभी ये इविल एलेक्सा को भेज देता है, खुद तो आता ही नहीं ना जल्दी से। पावर यूज कर ली तो एस के ऊपर भी कैटेगरी बनानी पड़ेगी फिर। चलो भाई गोट टीयर फाइनली। गोट टीयर में गाइस कोई पहला एंटिटी आया जो कि मल्टीवर्स एविल हीरो ब्राइन, ठीक है। और ये क्या है, इसकी इसके ग्लासेस गायब है शायद। अच्छा ये वो वाला बूगीमैन है जो मैं फ्यूचरिस्टिक टेडीएसएमपी में गया था ना मल्टीवर्स ट्रेवल करके, जिस बूगीमैन को उनके माइटी नल ने मतलब अपने कब्जे में कर लिया था भाई। उसकी लेजर वाली पावर बहुत भगाया था भाई इसने हमको, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में किया था इसको। मेरे हिसाब से ए सही रहेगा, तुम्हें क्या लगता है सब भाई? मेरे हिसाब से देखो अगर इसकी पावर कुछ ज्यादा खतरनाक है तो ठीक है ये, वरना तो बी ठीक है इसके लिए मेरे ख्याल से। तो मतलब इसकी लेजर वाली पावर बहुत ज्यादा तगड़ी थी। लेकिन लेजर पावर तो इविल एंटिटी की बढ़िया है ना, तो चलो तो फिर बी सही रहेगा इसके लिए। अब आता है मल्टीवर्स फ्यूचरिस्टिक वाला एंटिटी, पर इसकी पावर मतलब हम देख ही नहीं पाए। मैं गया था तो इसने अपनी कुछ पावर नहीं दिखाई, तो मेरे को नहीं पता कितना ज्यादा पावरफुल है या कितना कैसा है। एक सेकेंड, अपना वाला एंटिटी कहाँ है भाई? भाई ये तो रहा यार एंटिटी, भाई क्या कर रहा है भाई? एक सेकंड कहाँ है? ये रहा ये रहा ये देखो ये कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया भाई? अरे बस आ गया, ऐसे ही आ गया एकदम जादू से सब भाई।
नशे वैसे में क्या पांडा अभी तक तो नहीं था ना यहाँ पे। नहीं था भाई। अरे आ गया भाई आ गया। यही तो यार यही भाई तुम देख ही रहे भाई, मास्टर काला जादू सीख रहा भाई। तो गाइज अब आते हैं अपने फ्यूचरिस्टिक वाले एंटिटी 303 पे। भाई इनके एसएमपी में गया था तो बस इसने स्पाई बनने का काम किया था, बट इसके पावर्स नहीं देख पाया मैं तो। बताओ आप क्या करना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ सी में रखो। क्या पता ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो भाई, लेकिन हमको पता भी नहीं है ना सामने। हाँ मतलब इसमें तो हम एंटिटीज को उसी हिसाब से लगा रहे हैं ना जिनकी पावर्स देखी हमने, तो हिसाब से चलो फिर सी में ही लगा देते हैं। हेलो गाइस, तो एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं आपको एक अमेजिंग गेम फारकाना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो की एक शूटिंग बेस्ड गेम है एंड अभी उसके प्ले टेस्ट टूर्नामेंट चल रहे हैं जिसका प्राइस पूल है 28 लाख रुपीज। यस, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। एंड ऑल्सो ये जो टूर्नामेंट है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसमें टोटल डेली के 175 विनर्स अनाउंस होने वाले हैं, जिसमें से टॉप 50 होने वाले हैं किल्स कैटेगरी के, टॉप 50 होने वाले हैं विक्ट्री कैटेगरी के, टॉप 50 होने वाले हैं मैचेस कैटेगरी के एंड टॉप 25 होने वाले हैं लकी लूजर कैटेगरीज के। तो अब बात करते हैं कि आपको टूर्नामेंट में रजिस्टर कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करना है, गेम को डाउनलोड करना है एंड सिंपली टूर्नामेंट में रजिस्टर कर देना है, बस सिंपल। तो यस गाइस, अब मिलते हैं सीधा टूर्नामेंट में, लेकिन उससे पहले आप बाकी की बची हुई वीडियो एंजॉय करिए। अब ये है भाई इनका फ्यूचरिस्टिक हीरो ब्रांड। भाई इसने तो बहुत ही हेल्प करी थी भाई, लेकिन इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करी थी कि इसको हम गोल्ड टियर में डालें। तो ए ठीक है इसके लिए, ए डिजर्व करता है बेचारा भाई। फिर हीरो ब्रांड को बी में डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। बात तो सही है भाई। अब आता है तो जो फ्यूचरिस्टिक टेडी एसएमपी में गया था ना मैं, तो भाई इसी बंदे ने उनको परेशान कर रखा था और उनके बूगी मैन को इसने अपने बस में कर लिया था, तो इसी से तो छुड़ाया था हमने बूगी मैन को। तो फिर ये और पता है इसका नाम क्या है? माइटी नल। तो भाई क्या मतलब तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि जब फ्यूचरिस्टिक जो गैंग है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है और उनकी नाक में इसने दम कर दिया, तो भाई क्या लगता है? मैं तो ए बोल रहा हूँ भाई। भाई तुम्हारे क्या करना है? मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, ए में डाल देते। और अब है हमारी वाली एलेक्सा भाई, इसको ढूंढने की हमने हर एक कोशिश कर ली भाई, पता नहीं इसका कुछ आता पता नहीं है। लेकिन इसकी पावर क्या थी? बड़े होने वाली तो थी। हाँ, लेकिन और कभी इसको अपनी पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिला यार। लेकिन हम तो इस हिसाब से देख रहे हैं ना, जिसकी हमने पावर देखी है अच्छी खाती उनको, तो मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। हाँ, दोनों एलेक्सा सी में। और अब आते हैं इस बंदे पे गाइस, याद है इसको तो बोले नहीं इसने तो भाई क्या पावर कॉपी करता था भाई, हीरो ब्राइन तक की नाक में दम कर दिया था इसने, खतरनाक बना था भाई ये तो, एस डिजर्व करता है 100%। भाई भाई गुड। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है कि जो जिसको ये देख सकता है सिर्फ उसी की पावर कॉपी कर सकता है, लेकिन जो इसकी पीठ के पीछे रहेगा उसकी पावर कॉपी नहीं कर पाएगा, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमने इसको हराया था, याद है? याद है, याद है। तो मेरे हिसाब से शायद इसको गोल्ड टियर में ना डाला जाए, क्योंकि इसकी कमजोरी तो हमें पता है। देखो गोल्ड टियर में वही बंदा जाएगा जिसकी कमजोरी हमको नहीं पता। वो बात भी सही है। फिर मतलब रखते हैं, ए में डालना ठीक रहेगा। और अब आते हैं भाई अपने गोड पर। भाई इसका तो नाम ही गोड है इसका। हाँ भाई ये तो भाई गोड है, गोड ही भाई, नो डिबेट भाई, नो कमेंट। अरे हीरो ब्राइन भाई, हीरो ब्राइन, ये नो कमेंट भाई, सीधा गोड टियर सबसे आगे लगाएंगे भाई हमारे हीरो ब्राइन। अरे इसको मल्टीवर्स वाले को फेंको भाई, अलग पीछे कर दो भाई उसको, सबसे आगे हमारे हीरो ब्राइन को सबसे आगे। फिलहाल थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, बट अच्छे दिन जरूर आएंगे। आएंगे। तो अब आते हैं भाई, ये फ्यूचरिस्टिक टेडी एसएमपी का किंग डेडलॉर्ड था, जिसके पे मतलब बूगीमैन ने, उनके वाले बूगीमैन ने हमला कर दिया था जब वो माइटी नल के बस में था। तो इसके पास भी ज्यादा पावर्स नहीं थी, क्योंकि तभी तो इसको हेल्प की जरूरत पड़ी थी। तो फिर ये तो चलो तो मेरे हिसाब से सी में रख देते, कुछ ना कुछ पावर तो होगी इसके पास भी, ठीक है। और अब आते हैं भाई इस एंटिटी पे, जिसने फिर से मतलब अगर ये ना होता ना तो शायद हम कब की बैटल हार चुके होते। ओ, तो फिर इसको तो ए में रखना पड़ेगा। ए में रखना भाई, सबसे आगे रख देते हैं इसको। ये भाई ये कौन है? जोकर भाई। भाई ये जोकर वो नूब टेडी एसएमपी का हीरो ब्राइन है भाई। ये पता क्या है? ये फार्मर है वो। ये फार्मर, हाँ ये खेती करता है भाई। भाई इतने बुरे दिन आ गए क्या हीरो ब्राइन के? हीरो ब्राइन अपने मल्टीवर्स के इस वाले वेरिएंट से मिलेगा, सोचो क्या लगेगा उसको भाई, वो सुसाइड कर लेगा भाई, बस मेरा हो गया। हीरो ब्राइन लाइटनिंग कर करके पागल हो जाएगा भाई। डी में डाल देते यार इसको तो भाई, डी ठीक है। अब है भाई उनका नूब टेडी एसएमपी का नल। भाई ये तीनों पता है नूब टेडी एसएमपी के, इनको तो भाई डी में डाल देते हैं। इनको अभी अपने पावर्स के बारे में पता ही नहीं है, मतलब उसको बस पहचानने की कोशिश, मतलब अपनी पावर्स ढूंढ रहे हैं और उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ना उनका टाइम आएगा भाई, एस में जाएंगे वो लोग एक दिन, लेकिन देर है।
अब आते हैं भाई नल पे, जिसने एक टाइम पे मेरी नाक में दम कर दिया था एंटिटी 303 के बाद में, और जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। एंटिटी और नल एक साथ भागे थे, बट नल का अभी तक हमको कुछ अता पता नहीं है। ये तो ए में जाएगा भाई, मतलब अच्छा एंटिटी है ये भी, ठीक है। और अब आता है ओल्ड हीरो ब्राइन, जो अपनी मतलब इतना बूढ़ा हो चुका है, जो अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर पा रहा था, बट इसके पास पावर्स तो थी। तो एक समय में पावरफुल रहा होगा वो, लेकिन फिलहाल के हिसाब से देखते हैं हम तो, फिलहाल के हिसाब से तो सी आई थिंक, मेरे ख्याल से तो डी में डाल दो भाई। यार वैसे निजम की बात भी ठीक है, क्योंकि वो अपनी पावर से यूज कर नहीं पा रहा था। हाँ, तो अभी फिलहाल की पावर के हिसाब से देख रहे हैं ना हम तो, वो तो डी भाई, डी में डाल देते हैं। और अब आते हैं भाई जिन पर, जिस ये पता है जिन कौन है? हाँ याद है ना तुम्हें भाई, ये इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी जब हीरो ब्राइन को मतलब एंटिटी 303 ने अपने बीम से मार दिया था, तब जिन ने मेरी बहुत हेल्प करी थी नल से लड़ने में। और जिन जो है ना वो हीरो ब्राइन का बहुत अच्छा दोस्त था, पर इसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स थी, तो तुम्हारे हिसाब से क्या सही रहेगा? आई थिंक ए, क्योंकि उसने भाई हेल्प वगैरह भी बहुत की है। हाँ हेल्प तो करी है, बट इसके पास मतलब इतनी तगड़ी पावर्स नहीं है, तो बी सी रख सकते हो मेरे हिसाब से, बी सही रहेगा फिर तो। तो भाई अपने वाले एंटिटी ने भी भाई मतलब झंडे गाड़ दिए हैं, तो मेरे हिसाब से इसको फिर ए में डाल दें या बी में? ए ए ए ए पर एविल वाला एंटिटी शायद हमारे वाले एंटिटी जितना पावरफुल है या फिर सेम है, लेकिन वो तो भी चल सकता है यार मेरे ख्याल से तो। नहीं नहीं ये क्योंकि वो एविल वाला है, वो तो इससे डर के भागता है ना, तो ऑब्वियसली नहीं, वो कभी डर के नहीं भागा, उसने मुकाबला किया हमेशा मतलब एंटिटी का। वो इससे डर के भागता है, जो अभी नया वाला एंटिटी आया ना मल्टीवर्स से, कहां गया वो वाला? ये रहा ए में। ओके तो फिर ये बी डिजर्व करता, बी डिजर्व करता है, बी बी सबसे आगे डाल देते हैं। बी में दो इविल है और तीन खराब है, लेकिन गोल्ड टियर में सिर्फ हमारा हीरो ब्राइन है, उसके बाद गोल्ड है, और उसके बाद उनका वाला हीरो ब्राइन है। ये तो ऐसे नहीं हो गया, एक अच्छी पावर फिर बीच में गोल्ड फिर बुरी पावर। तो फाइनली गाइस हमने सारे एंटिटीज को जो आज तक टेड एसएमपी में आए थे उनको उनकी पावर के हिसाब से टियर वाइज लगा दिया है। और अगर आपको ये सारे एंटिटीज याद हो तो भाई इनसे हमारी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई है, इनसे हमने बहुत ज्यादा लड़ाई करी है, इन्होंने हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करा है, बट इन दी एंड हमेशा सब कुछ ठीक हो जाता है, और होप सो इस बार भी सब कुछ ठीक हो। खैर फिलहाल के लिए भाई देखो, गोड है हमारे हीरो ब्राइन, एंड गोड तो गोड है ही, एंड इनका जो है मल्टीवर्स हीरो ब्राइन, उसके बाद कर्ज हीरो ब्राइन, एंड अपना मल्टीवर्स वाला एंटिटी एंड सोन भाई, इनको हमने लगा दिया भाई। ये नूब गैंग यार, तुम इनसे मिले नहीं हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा फनी है भाई, तुम इनसे मिलोगे ना तो खुश हो जाओगे। और ऋषभ पता है क्या, एक तो तुम्हारा वेरियंट है भाई इनकी गैंग में। अच्छा भाई उससे मिला था भाई, वो मुझे से बात कर रहा था, मतलब वो भी बहुत फनी है, चाहता हूँ यार अपने वाले वेरिएंट से मिलना भाई। ये सब मतलब थोड़ा खत्म होना तो हम मल्टीवर्स ट्रैवल करके मिल के आएंगे उनसे कभी, अगर पॉसिबल हुआ तो। तो चलो गाइस ये थी आज की वीडियो, हमने सारे एंटिटीज को उनके टियर वाइज लगा दिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर। हम मिलते हैं आप सभी को ऐसी एक और निकोबाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।